हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू थर्ड पार्ट ऑफ इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक क्लास। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन टू साइन इनवर्स 0.6, ठीक है। तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला आता है आपका, ठीक है, टू साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला आता है, साइन इनवर्स 2x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे पुट करेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। सो साइन देन 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला जो आपका साइन इनवर्स 2x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 0.6 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 0.6 होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए, 2 साइन इनवर्स का 3 फॉर्मूला है, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज है ये आपका, देखना ट्राइग्नोमेट्रिक में प्रॉपर्टी 1, 2 करके 12 प्रॉपर्टी तक है, सब बोल्ड लेटर में है बेटा, वो अपने से खुद अपने एक कॉपी में एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा। मैं इसमें आपको पढ़ाई नहीं थी, लेकिन एक वीडियो अपलोड कर दी हूँ, मे भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी छूट गया होगा, लेकिन आप अपने से कर लीजिएगा, देखना वहाँ पर बोल्ड लेटर में सब प्रॉपर्टी 1, 2, 3 करके 12 प्रॉपर्टी तक है, ठीक है। तो देखिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो होता है आपका, सॉरी 2 साइन इनवर्स एक्स जो होता है, 3 फॉर्मूला है उसका। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ना उसका कुछ बाउंडेशन है, जो बाउंडेशन है 1 - 1/√2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/√2। अगर एक्स का वैल्यू इसके भी जाएगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, अगर नहीं आएगा तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका 3 फॉर्मूला है, तो 3 फॉर्मूला से ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए फिट बैठ रहा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू इसके अंदर लाइज कर रहा है, इसलिए हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज किए। सो आप देख लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला, डोंट बी कन्फ्यूज, ओके। तो कहाँ थे हम, हाँ, तो हम जब फॉर्मूला पुट कर दिए, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 0.6 है, तो 0.6 रूट ओवर ऑफ 1 - 0.6 होल स्क्वायर, ओके। सो आफ्टर दैट व्हेन आई सॉल्विंग इट, ओके, 2 × 0.6 को लिख सकते हैं 6/10, ठीक है, और इसका इसको भी 6/10 लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली इसको 36/100 कर दें क्योंकि इसका स्क्वायर है इधर। सो 2 × sin क्या होता है आपका, sin × sin एक्स एक्स होता है, प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं, है कि नहीं। सो इसलिए हम डायरेक्टली हम क्या किए, एक्स एक्स जो है इसका यहाँ पर लिख लिए, इसको सॉल्व किए, फिर दैट इज 2 × 6/10 एंड रूट ओवर 1 - 36/100, दैट इज योर, आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यू विल गेट द आंसर 0.96, ओके। देख लीजिएगा, 12 फॉर्मूला है, पूरा सा 12 फॉर्मूला ना ये क्वेश्चन में यूज होगा। हमने आपको वीडियो में मेंशन नहीं किया है, 12 फॉर्मूला आपको दिए नहीं है, इसलिए सॉरी बेटा, लेकिन अपने से आप खुद लिख सकते हैं अपने कॉपी पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 10 π/4 + 2 cot 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 tan inverse = tan inverse 2x/1 - x², ये आपका फॉर्मूला है जो फिट बैठेगा किस कंडीशन में, when x is less than 1, मतलब x के वैल्यू जब छोटा रहेगा 1 से, तब जाके हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या किए, 10 π/4 + 2 × ये cot इनवर्स 3 को हम इसका रेसिप्रोकल करके, हम पढ़ाए थे आपको रेसिप्रोकल करके क्या लिख सकते हैं, 10 inverse 1/3 लिख सकते हैं। आफ्टर दैट 10 π/4 + इसका हम क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला यहाँ पर है, अप्लाई कर देंगे। देखिए 1/3, ये 1 से छोटा है तो ये फिट बैठ रहा है आपका फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 है, एंड ऑलवेज रिमेम्बर अगर मॉड में कोई भी वैल्यू रहेगा तो इसका हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो जब हम पुट कर दिए, ओके, 10 π/4 + 10 inverse 2/3/8/9 एंड 10 π/4 इसको सॉल्व करने के बाद आया आपका 3/4, ठीक है। अब देखिए, और एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि ट्राइगोनोमेट्री में पढ़े थे, ठीक है, दैट इज 10x देन 10x + y, ठीक है, गलत लिख दिए है, 10x + y, इसका फॉर्मूला आपका आता है 10x + 10y / 1 - 10x × 10y। तो सिंपली यहाँ पर पुट कर दिए जब हम, देन
इट विल बी योर 10 पाई बाय 4, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, 10 पाई बाय 4 प्लस 10, ये आपका वाई है ना, वाई दैट इज 10, 10 इनवर्स 3 बाई 4 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई दैट इज 10 पाई बाई 4 इंटू 10, 10 इनवर्स ऑफ 3 बाई 4, ठीक है। अब देखिए 10 ऑफ पाई बाई 4 कहाँ पर, जो टेबल में आपका जो रेंज होता है ना, ये रेंज पार्ट जब क्या निकलता है आपका टेबल में, पाई बाई 4 मतलब क्या है आपका, ये 180 डिवाइड बाई 4 दैट इज योर 45 डिग्री कब आता है, एक में आता है, प्लस ये 10, 10 इनवर्स 3 बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस 10 ऑफ 10 इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, हमने आपको पढ़ाया था ये। सो इसलिए x है मतलब यहाँ पर 3 बाई 4 है, डिवाइड बाय 1 माइनस दिस इज योर 1 इंटू, इसका वैल्यू 1 है ना, 1 इंटू, और ये हो जाएगा टोटल आपका 3 बाई 4, तो आंसर वैल्यू 7, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, cos ऑफ 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू, हमको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म सब निकालना है, तो देखिए हमने क्या किया, cos let take s equal to 2x root 1 minus x square, ठीक है, ये let पार्ट है, तो इसको पहले सॉल्व करने के लिए देखिए इसका जो फॉर्मूला है ना, इसका जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर पुट कर दिए, दैट इज sin इनवर्स 2x into 1 minus x square, सिंपली इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। आफ्टर दैट इसको जब हम s लिए है ना, इसको लिख सकते हैं, इसको हम x लिए इसलिए मैं इधर s लिख दिए, आफ्टर दैट सी इस साइन इनवर्स x को भी हम लिख सकते हैं cos इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। आफ्टर दैट ये देखिए cos वी नो ये आपका cos है खाली, ठीक है, cos इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम sin इनवर्स, अरे यहाँ पर लिखते थे ना sin इनवर्स x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ सॉरी cos ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लिखते हैं, तो इसका वैल्यू आप लिख दिए, आफ्टर दैट cos एंड cos इनवर्स है ये आपका हो जाएगा खाली रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स को क्या लिए थे हम ये, सो इसका स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेना। आफ्टर दैट 10 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 10y, हियर लेट y इक्वल टू cos इनवर्स x, मतलब देखिए इसको हम y ले लिए, ठीक है, तो जब x इधर आ जाएगा तो y इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, x इक्वल टू cos इनवर्स y, ठीक है, तो ये cos इनवर्स y को हम sec y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स भी कर सकते हैं, यू नो दैट 10y इज इक्वल टू sec स्क्वायर वाई माइनस 1 है ना, क्योंकि आपका sec स्क्वायर वाई माइनस 10 स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम जब स्क्वायर हट जाएगा रूट हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ sec y, तो इस sec y का वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स पुट कर दिए माइनस 1 इज इक्वल टू आंसर विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। देखिए 10 इनवर्स आपको अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो आप जान लीजिए बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत वीक है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, इसलिए आपको हर फॉर्मूला याद रखना होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए, क्योंकि छोटा छोटा हर फॉर्मूला यूज हो रहा है आप देख रहे हो ना, इसलिए tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पर पुट कर दिया, दैट इज एक्स माइनस वाई डिवाइड माइनस एक्स माइनस वाई या एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वन प्लस एक्स इंटू वाई, इसका फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आई एम पुटिंग हियर, ठीक है, दैट इज टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वन माइनस वन प्लस एक्स वन, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर दिए। आफ्टर दैट सी इसका एलसीएम ले लिए, दैट इज वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये रह गया ऊपर में एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई इसका भी एलसीएम वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऊपर में रहेगा आपका वाई
इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये और ये। तो इसको जब हम सिंपली कर देंगे ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इधर प्लस है इधर माइनस है कट जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस है कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कट जाएगा तो वन होगा। सो टेन इनवर्स वन कहाँ पर आता है, पाई बाई फोर में आता है, 45 डिग्री में। तो आंसर विल बी योर 45। ओके, दैट इज 5/4। क्वेश्चन नंबर VI पर देखिए, कॉस ए कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। ओके, तो ये नहीं है आपका। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे कि कॉसेक इस साइन इनवर्स, अभी जस्ट पढ़ाया था हमने आपको कि कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके, है ना। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, वैसे ही हम कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए, ये कॉट पार्ट है, गलत है ये। तो देखिए, तो हम साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके लिख सकते हैं, प्लस एज यूजल इसको ऐसे ही रख दिए, ठीक है इसको। तो इसके कॉस इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके लिख दिए। आफ्टर दैट सी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 25 माइनस 9 डिवाइड बाई 25 होगा। फिर देखिए, इसको जब सॉल्व करोगे आपका पास आ जाएगा 4/5, यहाँ भी 4/5 है। तो कॉसेक इंटू साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, ये जो है आपका कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है आपका, पाई बाई टू होता है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इधर पाई बाई टू। सो पाई बाई टू कॉसेक में 1 में आता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर VI पे, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स 3/√10। सो लेट एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/√10, एक्स का वैल्यू ले लिए कि 3/√10 है करके। तो ये एक्स कॉस इधर जाएगा तो कॉस एक्स इक्वल टू 3/√10 होगा, है ना। तो इन ट्राइंगल कॉस का वैल्यू क्या है, BYH है, है ना, BYH 3/√10। सो पी हम इजीली फाइंड कर पाएंगे, तो दैट इज पी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ये बी है ये एच है, पुट कर दिए इधर तो आंसर आ गया 1। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, पी वाई एच। तो पी हमको मिल गया क्या 1, एच क्या है हमारा √10, ठीक है। तो एक्स को हम साइन इनवर्स 1/√10 करके भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट सी, इसके जगह इसके लिए हम निकाले थे ना, तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/√10। तो आपको इजी हो जाएगा, आपको ये फॉर्मूला एक है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट प्लस वाई इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इधर हम पुट कर दिए इसको एक्स और इसको वाई मान के, जब पुट कर दिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट, देखिए 1/√5, तो इसका जब स्क्वायर है रूट है स्क्वायर है तो कट जाएगा 1/10 होगा, वैसे यहाँ पर भी 1/5 होगा क्योंकि 1 स्क्वायर डिवाइड बाय √5 स्क्वायर 5 हो जाएगा। आफ्टर दैट इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा 10 माइनस 1 और इसका 5 माइनस 1/5, ठीक है। तो रूट ओवर 10 माइनस 1 इज योर 9 एंड √9 इज योर 3, ठीक है। एंड ये √10 एज यूजल, ये 1/√10 इंटू ये आपका 4 है, 4 का रूट क्या है 2 है एंड √5। आफ्टर दैट सी, आफ्टर सॉल्विंग दिस 3+2 डिवाइड बाई √5 √10, इन दोनों का एलसीएम जब ले लिए, ठीक है। आफ्टर दैट 5/√5 + √10, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर और नीचे √5 √5 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो एक √5 √5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √5 / √10, ठीक है। सो साइन इनवर्स √10 को लिख सकते हैं √2 √5, ओके। ये √5 √5 फिर से कैंसिल होगा तो साइन 1/√2, तो साइन का 1/√2 टेबल है 5/4, ठीक है। अब देखिए साइन कॉस इनवर्स 10 ऑफ सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स √2, तो √2 कब आता है सेक में, 5/4 में आता है, ठीक है। सो 5/4 लिख दिए और 10 है, ठीक है। आफ्टर दैट 10 पाई बाई फोर
10 में पाई बाई 4 मतलब 1 में आता है, सो कॉस इनवर्स 1, इसका वैल्यू है 1, मतलब इसका वैल्यू है पाई बाई 4 एंड इसका वैल्यू है 1। तो अब देखिए 1 कब आता है कॉस में, 0 डिग्री में आता है, सो 0 लिख दिए, तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या है 0। आई एक्स नंबर देखिए 2 tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स, दैट इज एक्स का वैल्यू हम जब कॉस थीटा पुट करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट मेथड है, जब पुट करेंगे तो लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो साइन ऑफ 2 tan इनवर्स इसका जो फॉर्मूला है tan थीटा है, ठीक है, समझ में आ गया। आफ्टर दैट सेम साइन 2 tan इनवर्स 10 थीटा जो आपका है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा को खाली थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10 इनवर्स ऑफ 10 एक्स को आप एक्स लिखते हो, तो 10 इनवर्स ऑफ 10 थीटा को लिखोगे थीटा, सो साइन 2 थीटा। एंड साइन 2 थीटा जो है इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा रूट ओवर है, तो एक्स को माने थे कि हम कॉस 2 थीटा, तो डायरेक्टली हम इधर लिख दिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्स पे, 10 1 बाई 2 टू 10 इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2 टू 10 इनवर्स 4। तो 10 जो है ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इनवर्स एक्स रहेगा, इधर इधर 2 कैंसिल, 10 इनवर्स वाई रहेगा। तो इसका जो फॉर्मूला है आपका 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, अभी रिसेंटली पिछले यहाँ पर पढ़ाए थे, है ना। सो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 10 एंड 10 इनवर्स, दैट इज 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो खाली इतना बचेगा, तो आंसर हुए एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस 10 इनवर्स एक्स, देखिए साइन कॉट इनवर्स कॉस, ये जो है पहले हम लेट वाई इक्वल टू 10 इनवर्स लेते हैं, ठीक है, लेट वाई इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स, तो 10 वाई इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। एंड 10 क्या होता है आपका ट्राइंगल में, पी बाई बी होता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो P है आपका x, B है आपका 1, तो h का हम पा जाएंगे इजीली, दैट इज रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी है आपका 1 स्क्वायर, दैट इज 1। सो कॉस y इज इक्वल टू बी बाई एच, y इज इक्वल टू बी बाई एच, सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जो आपका b का, b क्या निकला था आपका 1, h है आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सी तो हम इसको जब सॉल्व किए तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज कॉस इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस एंड कॉस इनवर्स है, कट जाएगा तो रहेगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एगन जेड इक्वल टू, फिर से हम इसका वैल्यू जेड लिए, तो फिर सॉल्व करो इसको, तो कॉट जेड इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं, सो इसका बी है इसका पी है, तो एच वैल्यू को आज इजीली मिल जाएगा, दैट इज पी है आपका इसका स्क्वायर, रूट है तो कट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। एंड ये है आपका 1 स्क्वायर, सो इसका वैल्यू 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। देन साइन जेड इज इक्वल टू पी बाय बी, एंड जेड इक्वल टू साइन इनवर्स पी बाय एच लिख सकते हैं उल्टा करके, है ना, इसको इस तरफ इसको इस तरफ लेके, तो पी बाई एच जो है पी का वैल्यू क्या निकला था आपका, ये ना पी का वैल्यू है आपका रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई एच का वैल्यू निकला था 2 प्लस एक्स, ठीक है, रूट ओवर सी, ये आपका पी है ना और ये आपका एच कौन सा है, ये सो पुट कर दीजिए इधर, दैट इज साइन ऑफ कॉट इनवर्स का निकल गया है ये साइन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये साइन साइन इनवर्स एक्स हो जाता है खाली एक्स। टेन इनवर्स एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज व्हेन पुट एक्स इक्वल टू 10 थीटा, 10 थीटा प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाता है आपका सेक थीटा, डायरेक्टली पुट कर दिए इधर, ठीक है। तो 10 इनवर्स ऑफ 10 को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, सो इसका जब हम एलसीएम ले जाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फिर देखिए ये नहीं है 10 इनवर्स जो 1 है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का वैल्यू होता है 1, एंड साइन थीटा जो है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये साइन का फॉर्मूला साइन थीटा का,
डिवाइड बाय कॉस थीटा का फॉर्मूला है ये, ठीक है। फिर देखिए ये आपका हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सो दैट इज कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, सो कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू। आफ्टर दैट ये स्क्वायर और ये देखिए ये दो है ना ऊपर, ये एक है एक कट जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा बाय टू प्लस साइन थीटा बाय टू बाय कॉस थीटा बाय टू माइनस साइन थीटा बाय टू। सो डिवाइडिंग कॉस थीटा बाय टू इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, आफ्टर दैट सी कॉस थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय थ्री जो वन एंड साइन बाय कॉस थीटा जो टेन थीटा बाय टू है नहीं, और ये कॉस थीटा बाय टू डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय टू जो वन माइनस साइन थीटा बाय टू डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय टू जो टेन थीटा बाय टू। तो देखिए तो कब आता है टेन का वैल्यू, वन पाई बाय फोर में आता है, ठीक है। ये टेन थीटा बाय टू एज यूजल वन माइनस टेन पाई बाय फोर, एडजस्ट करके लिख सकते हैं क्योंकि टेन थीटा बाय टू के साथ कुछ भी नहीं है तो वन एक मल्टीप्लाई है करके इधर हम टेन पाई बाय फोर करके एडजस्ट करके लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू वन है ना। तो ये आपका फॉर्मूला होके आ गया टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है कि नहीं, दैट इज पाई बाय फोर प्लस थीटा बाय टू। तो टेन इनवर्स ऑफ टेन जो है टेन इनवर्स ऑफ टेन जो है एक्स होता है दैट इज पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू, पाई बाई फोर प्लस वन बाई टू दैट इज टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि हम थीटा को लिए थे सॉरी एक्स को लिए थे टेन थीटा, सो थीटा विल बी टेन इनवर्स एक्स, सो थीटा की जगह हम टेन इनवर्स एक्स पुट कर दिए, ठीक है। तो ये तीन नंबर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम फोर नंबर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा, अगर कुछ एक्सरसाइज कुछ नंबर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर वैरायटी मतलब ट्राइगोनोमेट्री का बहुत सारा फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में क्लियर हैं तो इजीली इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री कर सकते हैं। देख रहे हो ना, हर कोई मोड में एक एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये अलग बात है कि प्रॉपर्टी जो है आपका ट्वेल्थ है वो भी अप्लाई होता है, लेकिन हमको बेसिक्स भी ट्राइगोनोमेट्री का क्लियर होना चाहिए, तब जाके हम इजीली क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड रिमेंबर योर ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दिस इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर। ओके बेटा, थैंक यू।